तो सोनी पिक्चर्स ने मॉर्बियस मूवी बनाने के बाद उन्होंने सोचा चलो एक और मूवी बनाते हैं स्पाइडरमैन के यूनिवर्स की, वो भी बिना स्पाइडरमैन के। और फिर सोनी ने मैडम वेब नाम की मूवी बनाई। और सच बोल रहा हूँ, ये मूवी एक कंप्लीट टट्टी मूवी है। और वो ऐसा क्यों है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, मगर उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस ला सकूं। पहले ही आपको बता देता हूं इस वीडियो में थोड़ा बहुत स्पॉइलर होगा तो अपने हिसाब से देख लेना। मैडम वेब स्टोरी की बात करूं तो मूवी में हमको देखने मिलेगा डकोटा जॉनसन यानी मैडम वेब को फ्यूचर के विजन आ रही है। अगर आप सोच रहे हो उसको फ्यूचर देखने की पावर कैसे मिली, उसका भी एक पास्ट है जहां उसको पावर मिली थी। विजन से उसको पता चलता है कि तीन टीनेजर्स को मारने के लिए यूकेल आ रहा है, क्योंकि फ्यूचर में यूकेल को ये तीनों को स्पाइडरमैन की पावर मिलने के बाद उसको मार देंगी, इसलिए उन तीनों लड़कियों को मारना चाहता है। डकोटा जॉनसन यानी मैडम वेब उनको बचाना चाहती है, यही मूवी की स्टोरी है। यूकेल जो कि इस मूवी का विलन है और ये कैरेक्टर पूरी मूवी में उन लड़कियों को मारने ढूंढ रहा है, वो भी एक ऐसा टेक्नोलॉजी से जो अपने आप में एक मिस्ट्री है। मतलब ये मूवी टेक प्लेस करती है 2003 में, और 2003 में ऐसा टेक्नोलॉजी दिखाना कुछ हजम नहीं हुआ। और पूरी मूवी में यूकेल का कैरेक्टर बस ये बोल रहा है उसको उन लोगों को मारना होगा ताकि वो अपने जान बचा सके और उसके बनाए गए एम्पायर को भी कुछ ना हो। लेकिन मूवी में हमको देखने नहीं मिलता वो किस एम्पायर की बात कर रहा है, बस हमको इतना दिखाया जाता है यूकेल का कैरेक्टर मैडम वेब की माम का पार्टनर था और वो दोनों जंगलों में एक रेयर स्पाइडर की तलाश में थे जो ह्यूमंस के लिए बहुत ही फायदेमंद है और उससे रेयर डिसीज को क्यूर बना सकते हैं। और जैसे ही वो स्पाइडर मिलता है यूकेल उसकी माम को धोखा दे देता है और उसको गोली मार के वो स्पाइडर लेके भाग जाता है। उसके बाद उसने क्या किया उस बारे में हमको कुछ भी नहीं दिखाया जाता है। और हाँ, जैसे ट्रेलर में हमको देखने मिला उसके पास भी स्पाइडर की पावर्स है, बस वो हाथ से जाल नहीं निकाल सकता और न ही उसके पास स्पाइडर सेंस है। ये मूवी बाहर कंट्रीज में 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के दिन रिलीज हो गई थी। और जब उसका फर्स्ट रिएक्शन निकल के आया तो क्रिटिक्स ने कहा कि मूवी में कुछ डायलॉग्स को मूवी पूरी बनाने के बाद चेंज किया है, जिस वजह से एक्टर बोल कुछ रहा है बट उसके लिप्स कुछ और बोल रहे हैं। तो इसलिए मैंने इस मूवी को इंग्लिश में देखने का सोचा, और हाँ सच में ऐसा है। इवन कुछ सीन्स में तो वॉइस और एक्टर का रिएक्शन मैच नहीं हो रहा था। और फिर मेरे दिमाग में आया शायद सोनी वालों ने इसकी स्टोरी कुछ ही लिखी थी और उनका कुछ और ही प्लान था इस यूनिवर्स को लेके, जो कि कुछ हद तक हमको इस मूवी में देखने मिलता है। ये मूवी स्पाइडरमैन की यूनिवर्स की है तो बिना मार्वल के अप्रूवल के मूवी थिएटर में कैसे आती। सोनी मूवी बनाने के बाद मार्वल वालों को दिखाई और मार्वल वालों ने अपने कैंची चलाकर मूवी में स्पाइडरमैन के सारे कनेक्शन हटा दिए। हमको बताया जाता है बेन पार्कर की एक बहन है जो प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का नाम रखेगी, उसके लिए एक छोटी से सीक्वेंस भी चलता है बट नाम नहीं बताया जाता, जैसे कि हमको पता ही नहीं कि वही पीटर पार्कर है। इवन नाम तक नहीं लेने दिया मार्वल वालों ने। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मूवी खराब मार्वल वालों की वजह से हुई, बट मूवी खराब होने में मार्वल वालों का भी हाथ तो है। और वैसे भी सोनी वालों को टट्टी अच्छी लगती है। अब कुछ लोग बोलेंगे मूवी को हम डकोटा जॉनसन और सिडनी स्वीनी के नाम पे मूवी देख लेंगे, तो मैं उनको बता दूं ये मूवी PG-13 है। इसका मतलब आपको एंटरटेन करने के लिए मूवी में कोई भी ऐसा सीन नहीं है। ये मूवी देखने के बाद मुझे लॉर्ड मॉर्बियस की मूवी बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस मूवी में याद रखने के लायक सीन्स तो है। मैडम वेब मूवी में कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो आपको याद रहे। और मूवी का एंड में हमको इनका सूट भी देखने मिलता है जिसको देख के लग रहा है ये कोई पैरोडी मूवी है। सो ओवरऑल मैडम वेब एक कंप्लीट टट्टी मूवी है जिसको आप ना देखने जाओ तो ये अच्छा है, बाकी आपके पास टाइम और पैसा दोनों है तो आपकी मर्जी। बाकी अगर आपने मूवी देख रखी है तो मूवी आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस ला सकूं। और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। बाकी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।